हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती किस तरीके से की जाती है। तो मैं तो अपने घर में बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में इनको लगा रहा हूं, लेकिन मैंने इसको लगाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस को अपना रखा है वो मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए सबसे पहले तो आपको ड्रैगन फ्रूट के पेड़ों की ही ज़रूरत होती है, जो आपको बीज से या फिर इसके जो पुराने तने होते हैं उससे मिल जाएगा। जो पुराने तने होते हैं उससे लगाना आसान होता है, क्योंकि जड़ ये जल्दी पकड़ लेते हैं। और मैं तो पन्नगर किसान मेले से लाया था, मेरे को 50 रुपये का जो है एक पेड़ मिला इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है ड्रैगन फ्रूट के मतलब की मिट्टी बनानी होती है, क्योंकि ये पौधा जो है बहुत गर्म इलाकों में होता है, और तो इसलिए जो है इसके लिए जो मिट्टी है उसी हिसाब से बनानी होगी आपको। इसमें आपको 1:1:2 के अनुपात में मिट्टी बनानी पड़ेगी। तो आपको एक भाग मिट्टी का लेना है, एक भाग अगर आपको बर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिलती है तो आप जो घर की 2-3 साल पुरानी गोबर की खाद होती है उसको भी मिला सकते हो। और इसके अलावा 2 भाग आपको उस मिट्टी में रेता मिलाना होगा। अगर आपकी मिट्टी में रेत पहले से ही है तो फिर तो आपका काम गोबर मिलाने से ही चल जाएगा। और अगर आपके वहाँ जो मिट्टी है उसमें रेत की मात्रा नहीं है तो आपको उस तरीके से इसको रेत गोबर और मिट्टी मिला के जो है बनाना होगा। तो ये जो मैंने मिश्रण बना रखा है ये 1:1:2 का मिश्रण है। फिर इसके बाद मैंने एक एक खम्भा बनाया है सीमेंट का, ये भी अपने घर में ही बनाया है, अब पता नहीं कितना मजबूत हुआ है तो बाद में पता चलेगा। तो अब बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे की प्रोसेस भी आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़ा मन बनने देना। दोस्तों, आप जैसा कि तुम देख सकते हो, ये मिट्टी का मिश्रण मैंने जो पहले बनाया था उसको फैला के पूरी तरीके से पौधे लगाने के लिए तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, अब मिट्टी तो हमने बराबर कर दी है, लेकिन इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी को पूरी तरीके से गीला बना लेना है, ताकि एक बार आपका पौधा लग जाए तो उसको कम से कम 2-3 दिन तक जो है पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पौधे सीधे डायरेक्ट ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करते हैं, इनको सिर्फ नमी चाहिए होती है, वो भी धीरे धीरे जो इनको मिलती रहे। अब हमने जो है मिट्टी के पूरे मिश्रण को पानी से भिगा करके तैयार कर दिया है। अब हम इसमें पौधे की रुपाई करेंगे। तो दोस्तों, अब जो है दूसरे नंबर का प्लांट हमारे लक्की भाई लगाएंगे, क्योंकि दुनिया में सारे कांटे अकेले नहीं बोने चाहिए, इनको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। और 20-25 साल तक चलने वाला पौधा है, फल इनको भी खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हाँ, इसको लगाते वक्त दोस्तों एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ता है, इसके पौधों में जो है फंगस आने का बड़ा डर रहता है, जो इसकी जड़ होती हैं जड़ों में। तो उसके लिए बहुत से लोग फंगस को जो है ख़त्म करने वाली दवा के घोल में इनको डुबा के लगाते हैं, जबकि मैंने ऐसा तो नहीं किया है कुछ। अब देखते हैं पौधे चलते हैं या नहीं चलते हैं, लेकिन अगर आप बड़ी मात्रा में इन्हें घर में लगाते हो, इनकी खेती करते हो, तो आपको बाबास्टीन या कुछ और भी आता है, वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आपको लानी पड़ेगी। और इनकी जड़ों को जो है उसको भिगाने के बाद ही जो है इनके पौधों को आपने लगाना है। ये देखिए, दूसरे नंबर का पौधा भी हमारा जो है इसमें हमने लगा दिया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों, ये जो पौधे हैं ये प्लास्टिक के गमले में लग के आते हैं, तो अगर आपको इनको इन पौधों को इनकी मिट्टी के साथ ही निकालना है तो आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे, जैसे कि लक्की भाई अभी अपना रहे हैं। ये खुरपी से जो है आराम से एक साइड से प्लास्टिक को काटेंगे और आराम से करना, और उसके बाद जो है
ये इसी मिट्टी के साथ ये पौधा बाहर आ जाएगा। एक साइड से और काट, वैसे तो दो साइड से काट के भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये नहीं निकलता है बराबर। एक पौधा मैंने निकाला था तो उसकी पूरी मिट्टी जो है वो हो गई थी, लेकिन इनके हाथ से भी जो काम हुआ है उसमें भी जो है सही से नहीं निकल पाया है। पानी पहुंचा है ना नीचे तक या नहीं पहुंचा है? हाँ, थोड़ा सा और क्लोज कर लेना। तो हमने जो है इसको इतना बढ़िया तरीके से भिगाया हुआ है कि अंदर तक नमी गई है इसमें। यह है, थोड़ा पानी डालना होगा तो डाल लेना। तो दोस्तों अब हमारा तीसरे नंबर का पौधा भी लग के तैयार हो गया है। लक्की सामने देखो, क्योंकि 20 साल बाद शायद आप भी बदल गए होंगे, परंतु ये वीडियो ऐसा ही रहेगा। एक बार और हमारे दर्शकों को अपना चेहरा दिखाओ, ये मुस्कुराता हुआ इंटेलिजेंट चेहरा। तो अभी हमने चौथे नंबर का पौधा भी लगा दिया है। मिट्टी में हमने पानी डाल दिया थोड़ा सा और ज़्यादा इसको लगाने से पहले, ताकि अब हमने इसको जो है 3-4 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देना है। अब ये पौधा इसी की नमी में चलेगा। इसके बाद हम इस पौधे को बहुत कम मात्रा में पानी देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को ये पौधे पसंद नहीं करते हैं। ये ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये दूर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये इस तरीके से हमने खंभा बनाया है, अब जैसा भी बना है ये है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में भी पौधे लगाए जाते हैं तो वो भी ऐसे ही लगते हैं, और जिस मिट्टी में पानी रुकता है वहाँ पर ये पौधे सक्सेस नहीं होते हैं। वहाँ पर अगर आप इनको लगाओगे तो आपका पैसा ही वेस्ट होगा। तो अब ये जैसे जैसे पौधे ग्रोथ करेंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो को। तो मिलते हैं ऐसी कोई यूजफुल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।